नमस्कार दोस्तों। दोस्तों एक खबर है जो कि पिछले कई दिनों से चर्चा में है, वो ये है कि अब आपको यूपीआई पेमेंट पर देना होगा 1.1% का सरचार्ज। तो अगर आप भी एक यूपीआई यूजर हैं तो आपको भी आपका फिलहाल इस बात को लेकर टेंशन हो गई होगी, क्योंकि आपको लगता है कि अब आपको यूपीआई पेमेंट पर जो 1.1% का सरचार्ज देना होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपको 1.1% का सरचार्ज नहीं देना होगा। तो फिर अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर 1.1% का सरचार्ज आखिर किसको देना होगा जब हमको नहीं देना है। तो दोस्तों इसमें भी मतलब कुछ क्राइटेरिया, जैसे कि अगर आप बैंक टू बैंक पैसा ट्रांसफर करते हैं तो फिर आपको कोई सरचार्ज नहीं देना होगा, और अगर आप वॉलेट से बैंक में पैसा ट्रांसफर करते हैं, वॉलेट के थ्रू पेमेंट करते हैं, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के थ्रू, तो फिर आपको जो है पैसा जो है देना होगा 1.1% का सरचार्ज। अब आप सोच रहे होंगे कि बैंक से बैंक पैसा कैसे ट्रांसफर होता है, वॉलेट टू बैंक पैसा कैसे ट्रांसफर होता है। तो दोस्तों हम में से 98.99% लोग जो है वो जो है बैंक टू बैंक पैसा ट्रांसफर करते हैं यूपीआई के थ्रू, और 1% जो लोग हैं वो जो है वॉलेट में पहले बैंक से वॉलेट में पैसा ट्रांसफर कर लेते हैं, फिर वॉलेट के थ्रू जो है पेमेंट करते हैं मर्चेंट को। तो दोस्तों ऐसे लोगों को जो कि वॉलेट के थ्रू पेमेंट करते हैं मर्चेंट को, उनको जो है 1.1% का सरचार्ज देना होगा। बट ऐसे लोग जो कि डायरेक्ट बैंक टू बैंक यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर देते हैं उनको कोई सरचार्ज नहीं देना होगा। तो दोस्तों ये बात को लेकर आप में काफी ज्यादा टेंशन थी, क्योंकि जो है अब हमको लगता है कि हर आदमी जो है गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, इन सब को जो ऑनलाइन यूपीआई मतलब प्लेटफॉर्म है, इन सब के थ्रू जो हर आदमी पेमेंट करता है, और अगर मैं ऐसे में जो है सरचार्ज लगने लगेगा जो है यूपीआई के पेमेंट पे, तो काफी आदमी के अंदर टेंशन तो आ ही जाएगा। तो दोस्तों ये आज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि अगर आप यूपीआई के थ्रू पेमेंट करते हैं बैंक टू बैंक तो आपको कोई सरचार्ज नहीं देना होगा, बट अगर आप वॉलेट से जो है बैंक में पैसा ट्रांसफर करते हैं, वॉलेट के थ्रू पेमेंट करते हैं, तो फिर आपको 1% का सरचार्ज देना होगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।